हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका आपको पूरे साल भर से इंतजार था। कल आपका टेस्ट है, एएमयू लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके लिए आपने पूरे साल भर मेहनत करी, पूरे साल भर तैयारी करी, पूरे साल भर कोचिंग आए। तो कोचिंग आना, कोचिंग से घर जाना, फिर कोचिंग का रिवाइज करना, उसे याद करना, प्रैक्टिस करना, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस आपने किए इस एग्जाम के लिए, जो एग्जाम फाइनली कल आपका होने वाला है। तो इस पूरे साल की मेहनत को आपको कल फलाना है। कल इसका आउटकम आपको देखने को मिलेगा। जितनी आपने मेहनत करी है, जितने आपने कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं अपने इस एग्जाम को लेके, वो सब कल रिजल्ट देंगे आपको। ठीक है, तो अब देखो, लास्ट दिन सबसे पहली चीज, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ये मैं विशेष देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए आपको मैंने वीडियो बनाई, बट इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। इस वीडियो के पीछे बहुत सारे रीजंस थे। लास्ट टाइम पे क्या होता है, लास्ट टाइम पे बहुत सारे बच्चे, आपने हर साल देखा होगा कि थ्रू आउट द ईयर वो बहुत होशियार थे, बट मेन एग्जाम में वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, या कोई बच्चा पूरी साल भर इतना नहीं पढ़ा, या आपको लगता है कि वो इतना नहीं पढ़ा, बट फाइनल डे वो सेलेक्ट हो गया, मेन एग्जाम में वो सेलेक्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो कल का दिन होगा, ठीक, उसका रोल भी आपके सेलेक्ट होने में और ना सेलेक्ट होने में बहुत बड़ा रहने वाला है। क्योंकि पूरे साल भर आपने मेहनत करी और कल आप वहां पर जाके आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया, तो अब क्या करेंगे? तो लास्ट टाइम पे हमें अपना स्टेट ऑफ माइंड क्या रखना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, जितने भी बच्चे कोचिंग आ रहे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से सब में बराबर माइंड है। ठीक है, सबकी बराबर तैयारी में मान के चलता हूँ। ठीक है, जितना हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक, तो जितने भी लोग यहाँ के उतना पढ़े हैं, वो सब कैपेबल हैं कि वो कल के एग्जाम को अटेम्प्ट, अच्छा अटेम्प्ट कर पाए। क्लियर? तो बट कुछ आप देखोगे, कुछ होशियार बच्चे रह जाएंगे, कुछ कमजोर बच्चे निकल जाएंगे। क्लियर? जो टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ला रहे थे, बट मेन टेस्ट में अच्छे नंबर ले आएंगे। ठीक है, जो मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे थे, बट मेन टेस्ट में वो अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। तो ये सारा खेल, ये सारा सिस्टम है लास्ट डे का, यानी कि डे ऑफ एग्जाम का। कल आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा, इस चीज पे आपकी पूरे साल की मेहनत डिपेंड करेगी। आप पूरे साल मेहनत करके जाओ, कल आप बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है, तो वो मेहनत कहीं ना कहीं बेकार चली जाएगी। या आप पूरे साल भर आपने तैयारी करी, कल आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक, तो भी आपकी क्या, सारी जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी। तो हमें अपने माइंड में बहुत स्टेबिलिटी रखनी है, बहुत ज्यादा संतुलन रखना है। ना तो हमें अंडर कॉन्फिडेंट होना, ना हमें ओवर कॉन्फिडेंट होना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डरे हुए होंगे आज। तो देखो, अगर आपकी तैयारी है, तो उस तैयारी को अपने डर से मत मारिए। क्योंकि अब केवल स्ट्रेस या डर ही ऐसी चीज है जो पड़ी हुई चीज को भी बेकार कर देगा। तो आपको किस बात का डर है कि मेरा पेपर नहीं होगा, मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, ठीक है, या मेरे नंबर कम आएंगे, मुझे अदर सेंटर्स ना मिल जाएं। ये सारे डर अगर आपने पेपर देते वक्त या पेपर देने से पहले अपने दिमाग से नहीं निकाले, तो आपका पेपर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा आपका पेपर हो सकता था। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि अपने माइंड से सारे स्ट्रेसेस को निकाल दीजिए। कल के दिन, कल के बाद आप पूरे टाइम सोचना कि मेरा होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज के दिन और कल के दिन आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा।
ठीक है। और इस पे तो एक बहुत अच्छा एक शेर है, ठीक है, जिसने कहा है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और मैंने आपको क्लास में भी मैं बताता हूँ आपको कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपका होगा तो भी आपके अच्छे के लिए होगा, अगर आपका नहीं होगा तो भी आपको तो भी आपका अच्छे के लिए होगा, कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस दे के जाएगा, कुछ ना कुछ कुछ चीजों को आपको सिखा के जाएगा। तो एक एग्जाम में सेलेक्ट होना या एक एग्जाम में सेलेक्ट ना होना आपके आने वाली डेस्टिनेशंस को डिसाइड नहीं कर सकता। तो आप ये बिल्कुल अपने दिमाग से टेंशन निकाल दीजिए, और मेरी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने बच्चों को ऐसे मोटिवेट करें कि सिलेक्शन होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया, और वो बेस्ट आप तभी दे पाएंगे जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेशली वहां पे वर्क करेगा, जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे बहुत अच्छा काम करेगा, और वो तभी काम करेगा जब आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे। क्लियर? तो बिल्कुल अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखिए, बिल्कुल काम हो जाइए, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, जो भी आपने पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस आपकी अपनी ओवर थिंकिंग उसे खत्म कर सकती है, आपकी अपने जो डर हैं, आपके अपने जो स्ट्रेसेस हैं वो उस चीज को खत्म कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस फ्री जाओगे, कॉन्फिडेंट जाओगे, तो कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती, ये मैं आपको एश्योरिटी देता हूं। तो कल के लिए बिल्कुल निश्चिंत होके आप पेपर में जाइए, ठीक। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दूसरी, कि 2 या 3 सेट होते हैं, ठीक है, और हर पेपर में जो लेवल होते हैं वो 3 होते हैं, इजी, मॉडरेट और टफ। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला क्वेश्चन किसी का बहुत टफ हो, ऐसा भी हो सकता है पहला क्वेश्चन किसी का बहुत इजी हो, तो इजी वाले का तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, शुरू के क्वेश्चंस हो जाएंगे उससे, बट जिसका वो सेट आएगा जिसमें स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चंस होंगे, तो वो टफ क्वेश्चंस देख के घबराए नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चंस हैं तो श्योरली उसे आगे जाके इजी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्लियर? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, पेपर आपके फेवर का ही बनेगा, और हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सब कल के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और अलीगढ़ सेंटर पे ही सेलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। तो पहली बात ये कि आपको डरना नहीं है, ठीक है, डर के कुछ नहीं होगा, केवल आपका नुकसान होगा, तो बी कॉन्फिडेंट, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, पेपर बहुत अच्छा आएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अपने मन से बिल्कुल डर निकाल देना है, कल के दिन आपको बिल्कुल डर नहीं रखना, पहली चीज, ठीक। दूसरा, देखो लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तैयारी बहुत लोग बहुत सालों से कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत वक्त से बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, बट कल का जो दिन होगा वो डिसाइडिंग डे होगा, कल का दिन फैसला कर देगा कौन इन होगा कौन आउट होगा, आपकी कुछ गलतियां, कुछ आपके अच्छे मूव्स आपको आगे ले जाएंगे, कुछ आपकी ह्यूमन एरर्स कुछ आपको पीछे ले जाएंगे, और ह्यूमन एरर्स तभी होते हैं जब माइंड ठीक से काम ना करे। माइंड कब ठीक से काम नहीं करेगा? जब माइंड फ्रीली काम नहीं करेगा, और फ्रीली काम कराने के लिए उसे स्ट्रेस फ्री रखना पड़ेगा। तो आपका लास्ट दिन बस इतना ही काम है, आप कुछ मत पढ़िए, आपको लास्ट दिन बस ये करना है कि आप इत्मीनान से आत्मचिंतन करिए कि हमें कैसे शांत रहना है, माइंड को कैसे संतुलित रखना है, और पेपर कैसे हमको अटेम्प्ट करना है। देखो इन सब चीजों के बारे में सोचिए कि आपने अपने से कितने सारे प्रॉमिसेस किए हुए हैं इस पेपर को लेके, आपकी क्या चीजें हैं, मतलब बहुत से बच्चों ने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किए होंगे, है ना, तो उन प्रॉमिसेस के बारे में सोचिए, ठीक है, बच्चों ने मुझसे प्रॉमिसेस किए हुए हैं, उन प्रॉमिसेस के बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि हमारा एक मूव हमारे पूरे साल की मेहनत को बेकार कर सकता है, ठीक। तो अपने पेरेंट्स को देखिए, उनके साथ रहिए, उनसे किए हुए प्रॉमिसेस को याद करिए, ठीक है, अपने टीचर से किए हुए प्रॉमिसेस को याद करिए, ठीक, इन सब से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्लियर, और जितना कॉन्फिडेंट आप जाएंगे उतना पेपर आपका अच्छा होगा, ठीक। और एक और बात,
बहुत से बच्चे होते हैं लास्ट टाइम पे फोन करते हैं कि इधर उधर फोन घुमाते हैं कि तूने क्या क्या कर लिया, तेरा क्या क्या हो गया और तुमने कितना प्रिपेयर कर लिया। तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनका कोई मोटिव नहीं होता, वो केवल बच्चों को डिमोटिवेट करने पे लगे रहते हैं लास्ट डे कि यार ये कर लिया क्या तूने करंट, अच्छा मई का करंट नहीं पढ़ा, अरे अब कैसे होगा, अरे तूने वो चीजें नहीं पढ़ी, अरे तूने वो चीजें नहीं पढ़ी, हमने तो सब पढ़ लिया। ठीक है, मॉक में तो मेरे 96 नंबर आ रहे थे, मैंने तो सब पढ़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों से आप बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी नेगेटिव इंसान से आपको बात करने की आवश्यकता नहीं है लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि वो तो सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिव है तो नहीं होगा सेलेक्ट, वो आपका सिलेक्शन भी खतरे में डाल देगा। तो आप अकेले रहिए, अपने वेलविशर्स के साथ रहिए, कोई अच्छा दोस्त है उसे फोन करिए, उसे मोटिवेट करिए, अपने माइंड को काम करिए, खुद भी मोटिवेट हुई उससे बात करके, अपने पेरेंट्स से बात करिए, ठीक है, अपने ब्रदर से सिस्टर से बात करिए, इन सब से बात करिए, अपने आप से बात करिए कि मुझे कल अच्छा करना है और जो पेरेंट्स, जो मैंने पेरेंट्स से, जो टीचर से प्रॉमिसेस किए हैं उन्हें पूरा करना है। क्लियर? तो लास्ट टाइम पे बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितनी भी मेहनत आपने की है वो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, हम सारे टीचर्स का आशीर्वाद, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, और इन्हीं को याद करके अपने माइंड को आप रिलैक्स कीजिए, इन्हीं को याद करके आप पेपर में बैठिए और बहुत कामली पेपर को अटेम्प्ट करिए और इतना अच्छा पेपर करके आइए कि आपके पेरेंट्स, मतलब जब भी आपको देखें, आपके टीचर्स जब भी आपको देखें, तो हमेशा मतलब उनके मन में आए कि ये वो स्टूडेंट है जिसने सब कुछ हासिल करके दिखाया। आपके पेरेंट्स को आपको देखकर प्राउड होना चाहिए। इस एटीट्यूड के साथ, इस मोटिवेशन के साथ आपको कल पेपर लिखने जाना है। क्लियर? तो अब लास्ट टाइम पे कोई पढ़ाई की बात नहीं मैं करूंगा, क्योंकि पूरे साल हमने अपना काम बखूबी निभाया, आपको खूब पढ़ाया है, आपका आपका सब तैयार है, आपकी सब तैयारी। अब लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे उस चीज को कल अटेम्प्ट किया जाए। ठीक, तो हमेशा अपने मन में ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपको आपके माँ बाप देखें या जब भी आपको आपके टीचर्स देखें, तो उनके माइंड में केवल एक ही बात आए कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे जलते देखा, तपते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। क्लियर? तो जब भी वो तुम्हें देखें, उन्हें हमेशा ये महसूस हो कि इसने हमारा नाम रोशन किया है, इसने ऐसे फाइट किया है कि अगर आप हार भी जाओ तब भी उन्हें एक इतना सा भी दुख ना हो कि इसने मेहनत नहीं की थी। क्लियर? अगर आपका नहीं भी हुआ तो भी ये आए कि साहब पढ़ाई इसने पूरी करी, इसने अपना 100% दिया, बट जो किस्मत को मंजूर था वो होना ही है। क्लियर? तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आपका पेपर अच्छा जाएगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाएगा, और आप सभी लोग सेलेक्ट होकर कोचिंग वापस आओगे, मिठाई लेकर वापस आओगे, मुझसे रैंक के साथ मिलने आओगे। ठीक है, तो डेट्स ऑल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल बहुत अच्छा पेपर आप करिएगा, टेंशन फ्री होके पेपर करिएगा। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।